हम जिस एनवायरमेंट में रहते हैं, जहाँ पे खाते हैं, पहनते हैं, होते हैं, जहाँ पे कुछ चीजें को बनाते हैं, वहां पे सबसे ज्यादा चांसेस ऑफ कंटामिनेशन होते हैं बैक्टीरिया और वायरस। और धरती पे, इस पूरी धरती पे जितने इंसान हैं, जितनी इंसानों की जनसंख्या, मैं केवल भारत की बात कर लूं, करीब 130 करोड़ जनसंख्या भारत में है, इन लोगों की है, 130 करोड़ संख्या के इंसानों की है। हमने मान लिया कि कम से कम 200 करोड़ जानवर है, पशु पक्षी है, इन सबको मिला दो तो पूरी की संख्या का तुम 10 से गुणा कर दो, करीब ये मान लो कि 200 करोड़ के आसपास लोग बैक्टीरिया वायरस धरती पे हैं। सबसे ज्यादा जीवों की संख्या किसकी है? बैक्टीरिया वायरस। हम इस रूम में बैठे हैं, इस रूम में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इस रूम के अंदर एयर भरा हुआ है, और इस समय भी इस कमरे के अंदर कम से कम लाखों बैक्टीरिया है, लाखों बैक्टीरिया जो लगातार हमारी बॉडी में इंटर करते हैं, हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, हम उसको फाइट करके मार देते हैं। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर तो इम्यून सिस्टम है, हमने मार दिया, लेकिन जब मान इसी कंपनी इस कमरे के अंदर हमने दवा बनाना शुरू कर दिया, कोई टैबलेट बना रहे हैं, कोई कैप्सूल बना रहे हैं, कोई सिरप बना रहे हैं, तो बनाते समय भी तो बैक्टीरिया वायरस अंदर जाएंगे। जब बैक्टीरिया वायरस अंदर जाएंगे तो उस केस में क्या होगा, दवा हमारी जो बनी है वो कुछ दिन बाद खराब हो जाएगी। इसलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रिजर्वेटिव। क्या यूज करते हैं? प्रिजर्वेटिव, जो डालते हैं सोल्यूशन में, कैप्सूल में, टैबलेट में, और क्या करता है हमारा पूरा का पूरा दवा लंबे समय चलता है, बैक्टीरिया उसको खराब नहीं कर पाता। लेकिन हम जिस कंटेनर का यूज कर रहे हैं, जिस कमरे का यूज कर रहे हैं, उसकी दीवारों पर, उसकी सेल्फ पर, फर्श पर, बर्तन में, अपरेटस में, सभी जगह तो बैक्टीरिया वायरस है, क्योंकि सब एयर कॉन्टैक्ट में, और एयर से जरा चार्ज होता है एयर का कंटामिनेशन का, किससे? बैक्टीरिया वायरस। तो किसी भी जब काम को शुरू करने से पहले, ठीक है, कोई अपरेटस हो गया, कोई इंस्ट्रूमेंट हो गया, या कोई बॉडी हो गई, या कोई भी चीज हो गई, या कोई ड्रग हो गया, तो उस ड्रग को या उस बॉडी को जब क्या किसी इंसान किसी भी बॉडी बात करें, क्या करते हैं हम लोग? स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कि उसको इस तरह से वॉश करना, इस तरह से धुलना कि सारे बैक्टीरिया वायरस मर जाए। जैसे मैं ये मेरे पास मार्कर है, मैं मार्कर से लिखना शुरू करने जा रहा हूं, तो लिखने से पहले अगर मैं इसका स्टरलाइजेशन कर दूंगा तो इसके अंदर से सारे बैक्टीरिया वायरस मर जाए। तो ये हो गया भाई, लैब की बात हो गई। जब कोई डॉक्टर सर्जरी करता है तो सर्जरी करने से पहले वो जिस कैंची, जिस सीजर, ब्लेड और थ्रेड, जिन सब का यूज करता है, वो भी स्टरलाइज करता है। अगर वो स्टरलाइज नहीं करेगा तो उसके अंदर जो माइक्रोब्स लगे हुए हैं, जो हमको दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो इंसान के शरीर के अंदर चले जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे, और सेप्टिसीमिया हो जाएगी। क्लियर हो रहा है? तो स्टरलाइजेशन क्या होता है? स्टरलाइजेशन एक मेथड है जिसके द्वारा हम पूरे बैक्टीरिया और वायरस का कंप्लीट रिडक्शन करते हैं, यानी पूरी तरह से उनको नष्ट करते हैं, जिसे कॉल्ड स्टरलाइजेशन। क्लियर हो गया? स्टरलाइजेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम किसी भी प्रोसेस को परफॉर्म करने से पहले या काम करने से पहले पूरी तरह से बैक्टीरिया और वायरस को किल करते हैं, पूरी तरह से किल करते हैं, जिसे कॉल्ड स्टरलाइजेशन। ठीक है, इट इज स्टरलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच वी कंप्लीटली 100% किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे कॉल्ड स्टरलाइजेशन। क्लियर हो गया? अब स्टरलाइजेशन के बाद इससे मिलता जुलता एक वर्ड है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट और स्टरलाइजेशन दोनों के कोई खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कि पूरी तरह से बैक्टीरिया किल करना, वायरस किल करना, ठीक है, और इतना किल कर देना जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया के उससे भी छोटे स्पोर होते हैं। स्पोर ये समझो जैसे मुर्गी होती है, तो मुर्गी का अंडा होता है ना, अंडा छोटा होता है मुर्गी बड़ी होती है, मुर्गी तो मार खा ली, अगर अंडा बच्चा है तो अंडा से कल नहीं पैदा हो जाएगी। उसी तरह बैक्टीरिया के छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं, तो बैक्टीरिया को तो मार सकते हो लेकिन स्पोर जल्दी मार नहीं सकते। दो डिफरेंस होता है स्टरलाइजेशन में और डिसइंफेक्टेंट में। स्टरलाइजेशन क्या होता है कि ये बैक्टीरिया को भी मारता है और उसके स्पोर्स को भी किल कर देता है, ताकि आने वाले फ्यूचर में भी बैक्टीरिया के ग्रोथ की कोई चांसेस ना रहे। डिसइंफेक्टेंट क्या करता है, ये बैक्टीरिया को मारता है लेकिन उसके स्पोर को मार नहीं पाता। अभी तो ठीक है, अभी तुमने वॉश कर दिया, धो दिया, डिसइंफेक्टेंट से काम तो हो गया, लेकिन एक जरूरी नहीं कि बाद में बैक्टीरिया फिर से ग्रो ना करे, कुछ दिनों बाद बैक्टीरिया की फिर अपने आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन स्टरलाइजेशन में बैक्टीरिया पूरी तरह से किल 100%। एक और फर्क है, डिसइंफेक्टेंट का यूज किया जाता है सिर्फ नॉन लिविंग सरफेस पे,
जैसे आप लोग घर टॉयलेट साफ करने के लिए आता है, आता ना हापिक, तो हापिक क्या होता है, फिनॉल होता है, तो वो हापिक क्या है, वो डिसइंफेक्टेंट है, क्योंकि हम किसी इंसान को पिला के उसका सफेद नहीं साफ करते, हम केवल लेटरिंग बाथरूम फर साफ करते हैं, टाइल साफ करते हैं। तो जब कोई ये स्टराइजेशन प्रोसेस किसी नॉन लिविंग सर्फेस पे किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, डिसइंफेक्ट, और लिविंग सर्फेस का क्या बोलते हैं, स्टराइजेशन। ये क्लियर हो गया, अब ये हम आगे बात करेंगे। अब इसके बहुत डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, ये मेथड्स को जानेंगे। तीन प्रकार से बेसिकली मेथड होते हैं, मतलब मेथड बताया था कैसे उसको साफ करेंगे, जरूरी हर बार केवल पानी में धुल दिया और साफ हो गया। कई मेथड है, फिजिकल मेथड है, केमिकल मेथड है और मैकेनिकल मेथड, भौतिक विधि, रासायनिक विधि और यांत्रिक विधि। तीन विधियां होती है, फिजिकल में दो होता है, थर्मल और नॉन थर्मल। थर्मल का मतलब है जब आप हीट का उपयोग करें यानी उसको गर्म करें, और नॉन थर्मल मतलब इसमें आपको गर्म करने की कोई जरूरत नहीं। तो फिजिकल में क्या होता है, दो प्रकार का हीट का, एक होता है फिजिकल थर्मल और नॉन थर्मल। केमिकल मतलब गैसियस मेथड, इसमें क्या करते हैं कि हम गैस, जो गैस स्ट्रॉन्ग गैस होती है जो बैक्टीरिया को मार देती है, उस गैस को पास कर देते हैं। जब उस गैस को पास कर देते हैं तो उसके अंदर जितने बैक्टीरिया होते हैं सब मर जाते हैं। जैसे होता है मच्छर कमरे में बैठे हैं, हमने धुआं फेंक दिया, अब धुआं से पूरे मच्छर मर गए, तो उन्हीं क्या है, केमिकल मेथड है या गैसियस मेथड। अब इसमें अलग अलग गैस आती है, जैसे इथाइलिन ऑक्साइड, डीप प्रोपेनेक्टोन, ओजोन फॉर्मेल्डिहाइड, ये सारी गैस का यूज करके हम लोग क्या करते हैं, स्टराइजेशन करते हैं। मैकेनिकल, मैकेनिकल मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कमरा है, तो कमरे के बाहर हम कुछ ऐसा चीज लगा दे कि जिससे बैक्टीरिया अंदर घुसी रहा है। भाई हमने कमरे के बैक्टीरिया तो मार दिया, लेकिन चांसेस ये भी है कि बाहर से जब हवा अंदर आ रही है बैक्टीरिया फिर आ जाएगा, अंदर तो मारा बाहर थोड़ी ना मारा है। तो हम क्या करते हैं, फिल्टर लगाते हैं। फिल्टर क्या होते, बड़ी बड़ी मशीनें आती है जिसको जहां जहां पे गेट है, जहां जहां से हवा अंदर आनी चाहिए वही वही फिल्टर लगाते हैं, कि जब अंदर से हवा गुजर के बाहर से अंदर आएगी तो अब हवा केवल आएगी, जितने बैक्टीरिया होंगे वो फिल्टर फंस के बाहर रुक जाएंगे। तो मैकेनिकल में बेसिकली फिल्ट्रेशन होता है, बड़े बड़े फिल्टर लगाए जाते हैं, बहुत महंगे फिल्टर होते हैं, जैसे हेपा फिल्टर आता है। तो फिल्टर में क्या होता है कि बैक्टीरिया जब हवा तो बाहर से हवा अंदर आती है, हमेशा फिल्टर लगाए जाते हैं एंट्री वाले गेट पे, जहां से हवा अंदर आती है उस एंट्री वाले गेट पे लगाते हैं, तो हवा तो अंदर जाएगी लेकिन फिल्टर के अंदर फंस के बैक्टीरिया वायरस रुक जाएगा। तो उसमें अलग अलग फिल्टर आते हैं, जैसे सेरेबी फिल्टर सस्ता होता है, सीट्स फिल्टर, सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, सिंटर्ड मेटल फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर और हेपा फिल्टर, ये सारे अलग अलग फिल्टर हैं जो आप यूज करते हैं। तो इस पूरे मेथड में आपके एग्जाम के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है थर्मल का दो मेथड, ड्राई हीट और मॉइस्ट। एक हॉट एयर ओवन, एक ऑटोक्लेव, इसमें मैं अलग से वीडियो बना दूंगा आपको पढ़ाने के लिए, क्योंकि ये दोनों ही सबसे इंपॉर्टेंट है। और इस टॉपिक से, चैप्टर से कोई क्वेश्चन आता है तो सिर्फ यही दोनों में से स्ट्रक्चर पूछता है। राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ड्राई हीट स्टराइजेशन या मॉइस्ट, या ड्राई हीट या मॉइस्ट के नाम से पूछता है, या डायरेक्ट ऑटोक्लेव या ओवन के नाम से पूछता है। ठीक है, तो अब थर्मल में दो होता है, ड्राई हीट मॉइस्ट। ड्राई हीट मतलब डायरेक्ट हम गर्म कर रहे हैं, और मॉइस्ट हीट में पहले हम पानी वाली गर्म कर रहे हैं, उसके अंदर गर्म कर रहे हैं। समझ पा रहे, जैसे आलू भूजते हो तो आलू को आग में रख दिए, आलू भूज गए, ये ड्राई हीट, और आलू को पानी में डाले और पानी को गर्म किए, आलू बन जाती है, उसे मॉइस्ट हीट कहते हैं। क्लियर हो गया, तो ड्राई हीट मॉइस्ट हीट में अलग अलग मशीन, ओवन ऑटोक्लेव, और यही दोनों सबसे इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन आता है तो सिर्फ यही आता है, क्लासिफिकेशन पूछ लेगा टाइप्स को ये लिख दीजिएगा, एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है। डिसइंफेक्टेंट स्टराइजेशन के अंदर में छोटा सा पॉइंट पूछेगा, डिफरेंस क्या होता है ये होता है, और मेन चैप्टर से क्वेश्चन दो ही पूछा जाता है, ये और ये। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इनकी स्ट्रक्चर, वर्किंग, एडवांटेज, इन्होंने सारे बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है।